नमस्कार दोस्तों, गड़बड़ी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस रेडीमेड सूट के कपड़े से नायरा कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो देखिए, इस सूट को मैंने कपड़े को इस तरह से खोल दिया है। खोलने के बाद ये हमारा फ्रंट भाग है और ये बैक पार्ट है, तो इसको हम बीच में से उधेड़ देंगे। तो ये बैक पार्ट को इसका अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सिलाई लग रही है, इस सिलाई को हम ऐसे उधेड़ देंगे। तो ये मैंने उधेड़ दिया है, तो फ्रंट पार्ट में हम ड्राफ्टिंग करेंगे और इसका बैक पार्ट हमें अभी निकाल के रख देंगे। तो इसको पहले हम ऐसे डबल कर देंगे। तो डबल हमें बिल्कुल ये बराबर करना है इसमें कढ़ाई को देखते हुए। तो गला देखिए हमारा ये बिल्कुल बीच में ऐसे बराबर आना चाहिए। तो हम ऐसे खोल के देखेंगे तो देखिए ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो पहले हम टॉप भाग की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी कढ़ाई आ रही है, यहाँ से हमने निशान लगाया। इससे हम 1.5 इंच नीचे पे निशान लाएंगे क्योंकि हम इसमें वी कट का निशान लाएंगे। तो यहाँ से मैंने ये गले की लंबाई का निशान लगा लिया है। तो अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा हम लेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पे इस तरह से लाइन बना दी है। अब आर्महोल का निशान लगाएंगे, आर्महोल भी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये लाइन बना लेनी है। अब जितनी भी हमारी ये पूरी कढ़ाई आ रही है इसे हम पूरा ही टॉप भाग में लेंगे। तो यहाँ से हम निशान लगा के देखिए, फिर 1/2 इंच हमने नीचे निशान लगाया है सिलाई के मार्जिन के लिए। अब देखिए इसकी पूरी जो लंबाई है 15 इंच है और 1/2 इंच का इसमें ये मार्जिन है। तो ये 15.5 इंच की हमारी ये टॉप की कटिंग होएगी। तो नीचे यहाँ पे भी 15.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर लाइन बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये लाइन बनानी है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है, जितनी भी आपकी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड कर दें प्लस 1/2 इंच लूजिंग के लिए लगा दें। तो यहाँ पे मैंने ये 8.5 पे लगाया है। इसी तरह से हम कमर पे लगाएंगे, इसमें भी 4 से डिवाइड करके प्लस 1/2 इंच की लूजिंग देख के निशान लगा देंगे। तो नीचे मैंने ये 7 इंच पे लगाया है। अब इन निशानों को मिला देंगे। अब 1.5 इंच का हमने ये मार्जिन का निशान लगाया है। अब ये निशान लगाने के बाद अब हम आर्महोल की गोलाई देंगे। तो यहाँ से इस तरह से ये फ्रंट पार्ट की गोलाई दे दी है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इसकी ये कटिंग कर दी है, तो ये फ्रंट पार्ट के टॉप की कटिंग हो गई है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये नीचे 1/2 इंच का मार्जिन लिया है। अब इसी को देखिए, जो हमने ये कटिंग करी है इसको हम ऐसे सीधी कटिंग कर लेंगे क्योंकि ये घेरे की कटिंग बिल्कुल इसी तरह से सीधी होएगी। अब इसमें और कुछ नहीं करना है। अब देखिए अब हम इसमें ये ऐसे टॉप को रखेंगे और जितना भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें हम बीच में चुनटे डालेंगे, चुनटे दे देंगे। तो मैं आपको अब इसकी लंबाई दिखाती हूँ। तो देखिए पूरी तैयार लंबाई ये 38 इंच है और ये हमारा आ रहा है 40 इंच। तो तैयार हमारा ये 38 इंच आ जाएगा और इसकी विड्थ 30 इंच है। कि इस तरीके की लेस लगाएंगे जो बिल्कुल नायरा सूट का लुक देगी। तो देखिए ये हम इसमें साइडों में चाक में पूरे में लेस लगाएंगे। अब देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसी तरह से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। तो हमने ये बैक पार्ट ले लिया है इसका। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे, फिर इसके ऊपर ये हम चोली रख देंगे। चोली रखने के बाद हमें ये बैक पार्ट के आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो देखिए हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट हैगा और ये बैक पार्ट है। इसमें अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो पहले हम ये फ्रंट पार्ट को निकाल देते हैं। अब हम बैक नेक का निशान लगाएंगे। इसमें विड्थ हम 3 इंच की लेंगे। यहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान लगाया है और इसकी जो लेंथ लेंगे 4 इंच की। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 4 इंच पे निशान लगा दिए हैं। अब इस तरह से हम ये बॉक्स बना देंगे और इसमें गोलाई दे देंगे। तो गोलाई देने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये बैक पार्ट के गले की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में देखिए हमारी इसमें ये आगे को ऐसे गले की कढ़ाई आ रही है। तो इसको देखते हुए हमें ये पहले हम सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद पहले हम इसमें 3 इंच के विड्थ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर नीचे से हम देखिए जो गले की कढ़ाई है नीचे से हम ये पहले 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम सिलाई देंगे। तो इसके 1/2 इंच ऊपर की तरफ ऐसे निशान लगाते हुए हम गोलाई देंगे। तो इस तरह से हमें ये गोलाई देनी है। फिर नीचे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम वी की शेप देंगे। तो ये हल्की से हमें ये वी की शेप देनी है। तो देखिए इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इसको ऐसे डबल कर देंगे ताकि दूसरी तरफ भी इसी तरह का निशान बन जाए।
अब ये निशान बनने के बाद इसको थोड़ा सा हम इस तरह गहरा कर देंगे। तो देखिए इस तरह से निशान बना लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी जिस तरह से निशान लगाया है इसी तरह से हमें इसकी ये कटिंग कर देनी है। तो देखिए ये कटिंग करने के बाद अब जो नीचे की तरफ है हम ये बीच में एक ऐसे कट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये कट लगाना है। ये मैंने 1.25 इंच का लगाया है, 1.25 इंच का इसमें मैंने ये कट लगाया है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से ये कपड़ा रख देंगे और कपड़ा रखने के बाद हमें पीछे की साइड से हमें यहाँ पे ये सिलाई लगानी है। अब हम बैक साइड के घेरे की भी कटिंग कर देंगे। इसको इस तरह से हम फोल्ड करके रखेंगे। अब जैसे हमने फ्रंट पार्ट की घेरे की कटिंग की थी उसको इसी तरह से रखते हुए देखिए बिल्कुल हम इसको इसी तरह से रख देंगे और इसके बराबर ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने एक सारे ऐसे रख दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये बैक पार्ट की भी घेरे की कटिंग हो गई है तो इसको भी हम इसी तरह से रखेंगे और बैक पार्ट लेंगे। तो देखिए इसमें जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें हम बीच में चुनट्टी डालेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारे ये कपड़ा जितना भी बचा है इसे हम फोर फोल्ड में कर देंगे। तो देखिए हमने इसकी ये 4 तह लगा दी है। बाजू की जो तैयार लेंथ है वह है 14.5 इंच की और ये हमारी आ रही है 13 इंच की। तो नीचे की तरफ हम 3 इंच में एक्स्ट्रा में पट्टी लगाएंगे। जो हमारे फ्रंट पार्ट का डिजाइन आ रहा है वो 3 इंच के हम नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 13 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ सीधी लाइन बना लेंगे। अब नीचे से हम डाउन करते हुए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। मुड्डे का निशान हम यहाँ पे 6.5 इंच पे लगाएंगे। तो 6.5 पे इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसकी गोलाई दे देंगे। मोहरी इसकी 5 इंच की है तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से लाइन बना देंगे। 1.5 इंच का इसमें हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी ये लाइन बना लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो बीच में कट लगा दिया है। अब हम फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए जो हम नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको हम लेंगे। तो देखिए ये वाला इसको हम इस तरह से लेके डबल कर लेंगे। तो ये हमारी ये भी 4 तह में हो गया है। तो 4 तह में करने के बाद इसको इस तरह से रख देंगे और फिर सीधी से हम लाइन में काट लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसकी ये कटिंग कर लेनी है और फिर इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम टॉप के फ्रंट के गले की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पीछे की तरफ हम इस तरह से एक पैर के मार्जिन से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे आने के बाद तो देखिए हमने यहाँ पे एक कट लगाया था। अब यहाँ तक तो आने के बाद यहाँ से हम मोड़ देंगे। तो हल्का सा हमें वी शेप देते समय हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये 1.5 इंच पे इस तरह निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे हम तिरछा करते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ से ऐसे मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ से भी हम तिरछेपन में थोड़ी सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ये वी के शेप में सिलाई लगा ली है। अब मोड़ने के बाद फिर से हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई लगाई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए बराबर में इस तरह से रखते हुए हमें ये कटिंग करनी है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल देंगे। अब जो बीच में हमने ये कट करा था तो इस तरह से हमें ये देखिए बिल्कुल एंड तक हमें कटिंग करनी है। बिल्कुल सिलाई को बचाते हुए हमें ये छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब यहाँ से भी इसके कोने को काटते हुए हमें ये कटिंग करनी है। अब हम इसको पलटेंगे तो ये पिन को हम निकाल देंगे। पिन को निकालने के बाद हम इसको इस तरह से पलटना है। तो देखिए अच्छे से हमें इसके ये कोने निकालने हैं। अच्छे से फिनिशिंग से हमें कोने को निकालते हुए इस तरह से पलट लेना है। अब पलटने के बाद इसमें हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए बिल्कुल हमें अच्छे से पीछे की तरफ पलट के हम इसमें बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल कोने को फिनिशिंग से लाते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। अब हमने ये सिलाई लगा ली है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये गला बनके तैयार हुआ है। अब हम इसे पीछे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे।
कटिंग करने के बाद इसमें हम इसको फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह फोल्ड करते हुए हमें ये पूरे में कच्ची सिलाई लगा लेनी है। बाद में हम इसमें तुरपाई कर देंगे और फिर इसको उधेड़ देंगे। अब देखिए ये फ्रंट पार्ट का गला बनके तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट में हम उड़े पट्टी ले आएंगे। तो देखिए ये मैंने उड़े पट्टी इस तरह से तैयार कर रखी थी। अब हम इसको इस तरह सिल लेंगे। तो ये मैंने सिल ली है। सिलने के बाद इसमें हम छोटे छोटे गोलाई में कट देंगे। अब ये छोटे छोटे कट देने के बाद इसको सीधी तरफ से हमें देखिए मार्जिन को हमें आगे तरफ रखते हुए पट्टी को मोड़ना है और मोड़ने के बाद किनारे पे सिलाई लगानी है। तो हमने देखिए इस तरह से ये बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है, पट्टी के ऊपर ही लगानी है सिलाई पर बिल्कुल किनारे पे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब जो भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हमने ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। तो देखिए इस मार्जिन को हम बाद में मोड़ेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और तीरे की सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये फ्रंट पार्ट को ऐसे रखना है। तो इस बैक पार्ट के मार्जिन को बाहर रखते हुए हमें यहाँ पे तीरे की सिलाई करनी है। पहले यहाँ से पक्की सिलाई कर लेंगे और फिर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसे मोड़ के एक और सिलाई लगा लेंगे जिससे ऊपर की पक्की सिलाई हो जाए। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको हम ऐसे खोल लेंगे। अब जो हमारा ये बैक पार्ट का मार्जिन है इसको हम अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद ऊपर को हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए ये सिल के तैयार हो गया है। तो हमारा ये बैक पार्ट का भी गला बनके तैयार हो गया है। तो ऊपर का हमारा ये टॉप भाग तैयार हो गया है। अब हम इसकी बाजू तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए ये बाजू का पहले एक पार्ट ले लेंगे। इसमें हमने जो नीचे के लिए कटिंग करी थी तो देखिए इसको इस तरह से रखेंगे। तो ये मैंने सीधी तरफ से पट्टी को इस तरह उल्टा करते हुए रखा है। अब हम इसमें ऐसे ही सीधी सिलाई लगा लेंगे आधे इंच के मार्जिन से। फिर इसको हम इस तरह से पलट देंगे और पलटने के बाद एक सिलाई और ऊपर से लगा देंगे। इसे लगाने के बाद अब देखिए अब हम इसकी लंबाई का निशान देखेंगे। तो हमें ये तैयार 14.5 इंच रखनी है। तो 15 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा तो तैयार हमारा ये 14.5 इंच आ जाएगा। अब ये निशान लगाने के बाद इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलने के बाद अब हम इसमें बीच में लेस लगाएंगे। तो देखिए जो मैंने लेस आपको पहले दिखाई थी इसको हमें इस तरह से रखते हुए लेस को लगाना है जिससे हमारी बाजू और भी सुंदर लगे। तो देखिए दोस्तों मैंने ये बाजू में लेस लगा ली है। अब जिस तरह से ये बाजू तैयार की है इसी तरह से मैंने ये दूसरी भी तैयार कर ली है। अब हम इस बाजू को लगाएंगे। तो मैंने ऐसे टॉप को ऐसे खोल के रख दिया है, इसमें हम बाजू लगाएंगे। इस तरह से रखते हुए हमें ये आधे इंच के मार्जिन से बाजू लगा लेनी है। तो हमारी एक साइड की बाजू लग गई है, इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ की भी बाजू लगा लेंगे। अब देखिए हमारी ये दोनों तरफ की बाजू लग के तैयार हो गई है। तो हमारी ये टॉप रेडी हो गया है। अब हम नीचे की तरफ इसमें घेरा लगाएंगे। तो नीचे की तरफ जब हम घेरा लगाएंगे तो पहले हम 4-4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए 4 इंच हमें यहाँ से निशान लगाना है, 4 इंच हमें ये दूसरी तरफ से निशान लगाना है, क्योंकि इतना हिस्सा हमें ये दोनों साइड से प्लेन सिलना है। ये स्मॉल साइज़ का है, अगर आपका मीडियम है या फिर लार्जेस्ट है तो फिर आप इसमें 5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम नीचे का ये घेरा लेंगे। इसको हम इस तरह से उल्टा करते हुए रखेंगे टॉप पे, और टॉप पे ऐसे उल्टा रखते हुए हमें यह 4 इंच पे ही इधर निशान लगा लेना है। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ पे भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने ये 4 इंच पे निशान लगा लिया है। अब देखिए इतना हिस्सा हमें ये प्लेन सिलना है, बाकी जो ये बीच का हिस्सा है इसमें हम चुन्नट डालेंगे।
तो यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं। तो ये हम आधे इंच के मार्जिन से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए यहाँ तक हम ये बिल्कुल प्लेन आ गया, अब ये निशान आ गया। अब यहाँ से हम छोटे छोटे चुनौती डालना शुरू करेंगे। तो देखिए आधा आधे इंच के पे हम ये छोटे छोटे चुनौते डालेंगे। इस तरह से हमें ये एक साइड आधे आधे इंच पे छोटे छोटे चुनौते डालनी है। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद अब हम नीचे का पहले ये निशान देख लेंगे और फिर इसको देखिए इस तरह से मिलाते हुए हमें यहाँ पे ये चुन्नट दे देनी है। जितनी भी हमारी एक्सरिया है चुन्नट यहाँ पे दे देनी है। तो ये हमारे ये पूरा एक साइड बराबर आया है। तो देखिए हमारे ये फ्रंट पार्ट की भी चुन्नटें इस तरह से डली है। तो देखिए मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी ये बिल्कुल एक साइड से हमारी ये चुन्नटें आई हैं। अब जिस तरह से हमने ये फ्रंट पार्ट में चुनौती डाली है इसी तरह से हमें ये बैक पार्ट में भी चार चार इंच पर निशान लगा के बीच में चुनट डालनी है। तो हमारी ये चुनट लग के तैयार हो गई है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से एक साथ चुनट आई है। अब इसी तरह से मैंने ये बैक तरफ में भी चुनट डाली थी। अब हम इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद अब देखिए जो हमारे ये फिटिंग का निशान है इसको हम आगे तक लगाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा हमें ये नीचे तक रखना है, आपको जितना भी नीचे तक रखना है वहाँ पे हम निशान लगा लें। तो मैंने यहाँ से ये 12 इंच पे निशान लगाया है, मुड्ढे से यहाँ पे ये मैंने 12 इंच पे निशान लगाया है, फिर 1 इंच का हमने ये मार्जिन पर निशान लगाया है और इसको इस तरह से मिला देंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ से भी, तो देखिए यहाँ से मुड्ढे से यहाँ से हम 12 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर 1 इंच पे से अंदर की तरफ निशान लगाते हुए इसको मिला लेंगे। अब इस तरह से निशान लगाने का इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम ये बाजू में भी निशान लगा लेंगे, फिर इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें ये सिलाई लगा ली है। अब ये फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर देंगे। देखिए मैंने इसे सीधा कर दिया। अब देखिए जितना हमने ये खुला छोड़ा था इसमें हम चाक की सिलाई लगाएंगे। जैसे हम कुर्ते की चाक की सिलाई लगाते हैं इसी तरह से इसको डबल में फोल्ड करते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम ये पूरे में मोड़ते हुए इसको इसी तरह डबल में हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से नीचे घेरे में भी सिलाई लगाएंगे। तो पहले मैं एक तरफ की सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए इसको इस तरह से हमें ये डबल कर देना है और डबल करके इसमें हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे लाने के बाद इसको हम देखिए यहाँ पे ला देंगे और फिर इसको इस तरह से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद दूसरी तरफ भी इसी तरह फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब इसी तरह यहाँ पे भी डबल करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी ये एक तरफ की यहाँ इस तरह से सिलाई हो गई, बिल्कुल कुर्ते की चाक की तरह इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो हमने ये दोस्तों मैंने ये दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा ली है और नीचे की तरफ भी हमने ये डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे ताकि नायरा का बिल्कुल अच्छा रेडीमेड कुर्ते का डिजाइन आए। तो देखिए इस तरह से हमें रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पर। तो पहले मैं एक तरफ आपको लगा के दिखाती हूँ। अब पहले यहाँ से हम चाक की तरफ से ऐसे खोल देंगे। तो देखिए अच्छे से हमें ये चाक की तरफ खोल ले देना है। अब जो लेस है वो चाहे आप ऊपर मुड्ढे से भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ कमर से लगाना शुरू करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमें रखते हुए लेस को लगाना है। इसको ऊपर से पहले इसे फोल्ड कर देंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। हमें ध्यान से इसमें सिलाई लगानी है, नीचे की तरफ कोई कपड़ा नहीं आए। तो देखिए इससे रखेंगे। अब बिल्कुल किनारे से हमें ये सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। अब यहाँ पे आने के बाद तो देखिए कोने को हमें अच्छे से मोड़ना है। तो इसको इस तरह से मोड़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से हमें इसका कोना बनाना है इस तरह से फोल्ड करते हुए। फिर फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगाना शुरू कर दी। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी कोने को अच्छे से बनाएंगे। तो देखिए इसको इस तरह मोड़ते हुए हमें फोल्ड करना है और फिर सिलाई लगा लेनी है।
अब देखिए यहाँ कमर में आने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दी साड़ी इसकी हम कटिंग कर देंगे और फोल्ड करके यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब मोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह मोड़ते हुए दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे आने के बाद जो हमने ये फोल्ड करा था कोने को, तो देखिए इसको दबाते हुए हमने यहाँ बिल्कुल किनारे पे ऐसे सिलाई लगानी है और फिर मोड़ते हुए इसको फिर से हम दोबारा वहीं सिलाई लगा देंगे और फिर दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। अब ये मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है। इसी तरह से देखिए ये दूसरी तरफ भी हमें ये किनारे को मोड़ते हुए ली इसको और फिर इस तरह सिलाई लगानी है। तो जैसे हमने ये फ्रंट पार्ट में लेस लगाई है, इसी तरह से हमें ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो जैसे हमने फ्रंट में लगाई, इस तरह ये पूरे में लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये पूरी नायरा कुर्ती सिल के तैयार हो गई है। तो देखिए बाजू का भी डिज़ाइन देखिए कितना अच्छे से आया है और गले का डिज़ाइन भी कितना सुंदर लग रहा है। तो अब देखिए मैं इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। तो देखिए बैक साइड में भी मैंने ये लेस लगा ली थी, तो यहाँ से भी हमारे ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताएँ, साथ ही वीडियो लाइक और शेयर भी करें।